जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, सऊदी अरब पर 48 घंटे के भीतर हमला करेगा ईरान। अमेरिका ने किया अलर्ट। दरअसल आपको बता दें, सऊदी अरब या किसी अन्य खाड़ी देश पर ईरान जल्द ही हमला कर सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब ने ऐसी खुफिया जानकारी साझा की। इस जानकारी के मिलते ही सऊदी अरब और अमेरिका समेत अन्य कई क्षेत्रों देशों की सेना हाई अलर्ट पर आ गई है। दोस्तों खुफिया जानकारी में कहा गया कि हिजाब प्रदर्शन की ओर से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट की माने तो ईरान सऊदी अरब पर यह हमला अगले 48 घंटों में ही कर सकता है। इंटेलिजेंस इनपुट की पुष्टि करने वाले एक अधिकारी ने एपी ने बताया कि ईरान जल्द से जल्द 48 घंटों के भीतर ही अटैक करेगा। हालांकि यूएस की सुरक्षा और रक्षा खुफिया एजेंसी पेंटागन के एक प्रवक्ता ने सऊदी अरब समेत अन्य देशों में अलर्ट की बात को खारिज कर दिया। बता दें लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिका लगातार सऊदी अरब के संपर्क में है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइंस ने भी ये बात कही है। नेड प्राइंस ने कहा है कि इस मामले में अमेरिका चिंतित है। नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका सैन्य कूटनीति और इंटेलिजेंस के जरिए सऊदी अरब के साथ संपर्क में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा होता तो क्षेत्र में अपने और सहयोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक्शन लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मौजूदा समय में ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। महसा अमीनी को हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से ईरान की नैतिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद से ही ईरान में हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान सरकार ने इस प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का हाथ बताया है। ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर हिजाब प्रदर्शन को भड़काया। दरअसल पिछले कई सालों में ईरान की ओर से कई ऐसे सैन्य कदम उठाए गए, जिसके बाद से सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देश और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। सितंबर में इराक के कुर्दी क्षेत्रों में ईरान की ओर से 70 मिसाइल दागी गई थी। इराक के इस क्षेत्र में काफी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी तैनात हो गए हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।